देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, आतंकी हमले की आशंका, बीच में रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पर्यटकों को भी कश्मीर खाली करने को कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मोदी चाहे तो कश्मीर पर मध्यस्थता, भारत ने साफ कहा किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। हंगामे के बीच राज्यसभा में भी गैर कानूनी गतिविधियां, संशोधन विधेयक पास, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिलेगी मजबूती। मिलावटखोरों पर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री सख्त, मिलावट की जानकारी देने वाले को मिलेगा 11,000 का इनाम। और मंत्री जी के पास समय नहीं था, इसीलिए टूटी बस्तर दशहरे की 600 साल पुरानी परंपरा, ग्रामीण है भी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर घाटी में कोई बड़ा एक्शन होने की संभावना दिख रही है। सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ आर्मी और वायु सेना को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रख दिया है। माना जा रहा है कि कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और कश्मीरी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं और कश्मीर में मौजूद सैलानियों पर आतंकी हमला होने का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। इसके बाद राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से घाटी में मौजूद सैलानियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में सरकार ने आतंकी हमले की आशंका जताते हुए पर्यटकों को जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ने की सलाह दी है। विशेष राज्य का दर्जा रखने वाले कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। सरकार के निर्देश पर वायुसेना द्वारा सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को कश्मीर घाटी में जल्द पहुंचने के लिए एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के साथ ही C-17 हैवी लिफ्ट प्लेन की सेवाएं भी ले रहे हैं। सरकार ने कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए बड़ा कदम उठाते हुए आर्मी और वायुसेना को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रख दिया है। कश्मीर में बदलती परिस्थितियों के बीच सरकार द्वारा घाटी में अर्धसैनिक बलों की 280 कंपनियां तैनात किए जाने की सूचना है। पिछले हफ्ते 100 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने की घोषणा की गई थी। बीती 25 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजने का फैसला किया था। केंद्र के इस फैसले के साथ ही पूरी वादी में धारा 35A को हटाने को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ भारत कश्मीर में कुछ बड़ा और नया करना चाहता है, वहीं कश्मीर के मसले पर एक बार साफ साफ झूठ बोल चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो वह कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इधर भारत ने साफ किया है कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्यस्थता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी बात की है, मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ आना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कश्मीर मसले पर किसी को मध्यस्थता करनी चाहिए तो वह कुछ कर सकते हैं। मैंने इस बारे में पाकिस्तान और भारत दोनों से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। इधर बैंकॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान एस जयशंकर ने पोम्पियो के सामने कश्मीर मुद्दे की बात भी की और इस पर भारत का रुख बताते हुए साफ कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमने पोम्पियो को यह संदेश साफ शब्दों में दे दिया है कि कश्मीर पर कोई भी चर्चा अगर होती है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगी। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में भी गैरकानूनी गतिविधियां, संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मजबूती मिलेगी। दरअसल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की थी, लेकिन सदन में हुई वोटिंग के बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। इससे पहले सदन में बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसके खिलाफ सदन को एकजुट होना चाहिए।
राज्यसभा में बिल के दुरुपयोग की आशंका को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सदन में सवाल उठाया। पी चिदम्बरम ने कहा कि संशोधन के कारणों को अगर आप देखते हैं तो पता चलेगा कि यह एनआईए को सशक्त करने को कहता है। इसको पारित करने में आप कहते हैं किसी का भी नाम अंकित लिस्ट में शामिल करने, किसी को इस लिस्ट से हटाने के लिए केंद्र को अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए ही हम इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, हम एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने कभी आतंक पर समझौता नहीं किया और इसीलिए इस बिल को लाए। यह तो आप थे जिन्होंने एक बार मसूद अजहर और दूसरी बार रूबीए सईद को जाने दिया। दोनों के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने सदन में समझौता ब्लास्ट और आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, सारा मीडिया बैन हो गया था, सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, उन 19 महीनों में देश में कोई लोकतंत्र नहीं था और आप हम पर कानून के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी अतीत को देखें। अन्य सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय मैंने उनको नहीं टोका। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही, आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं, क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई। ये तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। समझौता एक्सप्रेस, मान्यवर मैंने आगे कहा था यहां पर समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए, कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए, क्यों छूट गए, क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। दिग्विजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए शाह बोले कि दिग्विजय जी गुस्से में नजर आ रहे हैं, यह नेचुरल है क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। उन्होंने एनआईए के 3 केसेस में कहा था कि किसी को सजा नहीं हुई। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि पहले राजनीति दुर्भावना के तहत सब किया गया और एक धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश की गई। शाह आगे बोले कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने पिछले यूपीए संशोधन बिलों का समर्थन किया, फिर चाहे वो 2004 हो, 2008 हो या फिर 2013 हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आतंक के खिलाफ ठोस फैसले को समर्थन देंगे। मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य मंत्री अब सख्त हो गए हैं। एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि अगर कहीं भी मिलावट होती है और जो भी इसकी जानकारी देगा उसकी पहचान छुपाई जाएगी और साथ ही 11,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मिलावट की जानकारी देने वाले को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार मिलावट की खबरें सामने आती रही हैं और छापा पड़ने पर कई बार बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। ये मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, कई बार लोगों की जान पर आ जाती है। ऐसे मिलावटखोरों को रोकने के लिए इंदौर में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने MY अस्पताल में निरीक्षण करने के दौरान कहा कि मिलावटखोरों की जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले का नाम भी गुप्त ही रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के PCCT अस्पताल में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण करने गए थे। इस दौरान उन्होंने यहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उनसे परिजनों से बातचीत की। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा अब सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी। उन्होंने कहा कि कई BJP विधायक कांग्रेस में आने के लिए बाउंड्री पर हैं, उनका स्वागत है। विधि और जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा जो भी BJP के विधायक कांग्रेस में आना चाहे उनका पार्टी में स्वागत है। कई विधायक बाउंड्री पर हैं जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर PC शर्मा ने कहा कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका तुरंत निदान भी किया जाएगा। कमलनाथ सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है कि लोग आए सरकार के पास, ये
आम जन आए सरकार के पास, ये समाप्त हो और सरकार खुद जाए वहाँ पर कैंप लगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं किसी तरह की भी समस्या उसका निराकरण, उसका हल ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इससे जितने भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व के प्रसिद्ध दशहरे की 600 साल पुरानी परंपरा राजनीति के कारण टूट गई है। हालांकि गांव के लोग इससे डरे हुए हैं और उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में परंपरा टूटने के कारण दैवीय प्रकोप झेलना पड़ेगा। यह दशहरा कोई एक दिन नहीं मनाया जाता बल्कि 75 दिन पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। यह परंपरा टूटने के कारण सिर्फ इतना था कि मंत्री जी के पास समय नहीं तो उन्होंने रीति रिवाज परंपराओं को नजरअंदाज कर दिया। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे की 600 साल पुरानी परंपरा को राजनीतिक कारणों से आज तोड़ दिया गया। अब इसे आने वाले समय में दैवीय प्रकोप से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अपनी अनोखी परंपराओं, रीति रिवाजों और 75 दिन लंबे चलने वाले दशहरे पर्व की 600 साल से चली आ रही परंपरा आज खंडित हो गई। इससे आदिवासी समुदाय में भारी रोष है। दरअसल आज इस दशहरा की पहली पाट जात्रा रस्म अदा की जानी थी। इसमें राज परिवार से पूजा की थाली, नए वस्त्र व अन्य पूजन सामग्री मां दंतेश्वरी मंदिर जाती है, जिसे पूरे रीति रिवाज और अनुष्ठान कर राजा भेजता है। बस्तर के राजा को माटी पुजारी यानी प्रमुख पुजारी माना जाता है। यह अनुष्ठान 11 बजे होना था मगर कांग्रेस सरकार के बस्तर प्रभारी मंत्री प्रेम साय, जो अन्य आयोजनों में जाने की जल्दबाजी में थे, 9 बजे ही कुछ ही लोगों की उपस्थिति में यह अनुष्ठान करवा दिया, जिसमें ना तो मांझी मुखिया ही पहुंच पाए और ना ही राजमहल से पूजा की थाली पहुंच पाई। आज पाट यात्रा था, उसमें से 11 बजे का शुभ मुहूर्त था और ये 9 बजे ही अपना काम निपटा लिए। जनता के लिए इतना भी सोच नहीं रहे हैं बल्कि जनता ही नहीं बनाया था। और जो दशहरा के चलते जो अभी गांव के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले 600 साल से चलती आ रही परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राजनीति नहीं चलेगी। हम बस्तरवासी विरोध करते हैं, हम किसान मित्र विरोध करते हैं इसमें। और निश्चित रूप से अगर कोई चूक हुई हो तो भविष्य में आने वाले जो समय है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। और आज तो 75 दिन की दशहरा जो बस्तर में पारंपरिक रूप से चलती है, तो निश्चित रूप से बस्तरवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज पाट यात्रा के साथ आज पूजा प्रारंभ हुई। और निश्चित रूप से जो भी परंपराएं हैं बस्तर की परंपराएं, उन परंपराओं का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा और निश्चित रूप से आने वाला समय में सबको ध्यान में रखते हुए
सबके सहयोग से ये दशहरा ऐतिहासिक पूर्ण हम मनाएंगे। मंत्री जी आदिवासियों की भावनाओं को दरकिनार कर जल्दीबाजी में थे। दरअसल बस्तर राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा से जुड़े हैं, साथ ही वे पिछली सरकार में युवा आयोग के अध्यक्ष भी थे। अब यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री एवं स्थानीय नेताओं ने जानबूझकर इन रीति रिवाजों और परंपराओं को नजरअंदाज किया है, साथ ही अपनी व्यस्तता के कारण निर्धारित मुहूर्त से पहले ही यह पाठ यात्रा विधान को संपन्न कर दिया गया है। मीडिया वीडियो मीडिया सब इसको कवर करते आए हैं और आप भी इस तरीके से जानते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत कवर किया है, कभी भी इसी तरीके की छूट नहीं हुई। और दुर्भाग्यपूर्ण जो बात यह है, माझी आगे हमें पूछ रहे हैं कि कैसे इतना जल्दी हो गया, 11 बजे तो हमें समय दिया गया था और समय से पहले सब कार्यक्रम हो गए हैं और माझी ने वो कवर भी नहीं पड़ी। ये गलती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि मैं उसमें जाता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं गलती हुई। इसमें हम कांग्रेस और बीजेपी नहीं ला सकते, क्योंकि ये परंपरागत चीज़ें चली आ रही है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, उनको ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा किस तरीके से, उसका निर्वहन उसी तरीके से करना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, आपसे बहुत उम्मीदें नहीं है, फिर भी एक स्कूल की व्यथा कथा देख लीजिए। इस स्कूल की हालत आपकी सरकार जैसी है, जरा सी हवा कई किस्म के अंदेशों को जन्म दे देती है। स्कूल में बारिश का पानी भरे या स्कूल की छत उड़ जाए, इससे भोपाल में बैठी सरकार को क्या लेना देना। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद मंत्री और अफसर अपने एजेंडे को पूरा करने में लगे रहते हैं। कई जगह तो ये स्कूल आफत के स्कूल बन गए हैं, इनकी छतें हवा में हिलती रहती हैं। बैतूल जिले की कोथलकुंड पंचायत के मालेगांव में बच्चे आफत की पाठशाला में बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं। गांव का प्राथमिक स्कूल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी छत स्कूल सत्र प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद हवा पानी के कारण उड़ गई और स्कूल खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन इसी क्षतिग्रस्त भवन में स्कूल लगा रहा है। जरा सी भी हवा चली नहीं कि बच्चों की जान पर बनाती है। सर, यहाँ पे अभी क्या है, लगातार पानी गिरने की वजह से सब छतें टपक रही है, इस वजह से हम लोग क्या एक ही परिसर में अभी स्कूल लगा रहे हैं, मतलब पीएस में ही एमएस को भी एक ही साथ में लगा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बिल्डिंग मतलब क्षतिग्रस्त हो गई है, इतना ज़्यादा पानी टपक रहा है कि वहाँ बच्चों को बैठाना बिल्कुल असंभव बात हो गई, वहाँ पॉसिबल नहीं है बैठा पाना। यदि कहीं से कुछ गिर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से एक साथ बैठा रहे, जगह कम पड़ रही है तो स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। बारिश और तेज हवा के कारण स्कूल की छत उड़ गई, फिर भी उड़ी हुई छत के नीचे ही स्कूल लगाया जा रहा है और बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बची हुई स्कूल की छत पर टीन और बल्ली लटकी हुई है, जो हवा चलने पर बच्चों पर गिर सकते हैं। इस स्कूल में कुल 71 बच्चे पढ़ते हैं, उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। छत उड़ जाने की वजह से एक छोटे से कमरे में बच्चों को बिठाया जा रहा है, ऐसे में क्या पढ़ाई होती होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस बारे में यही कहना है कि भाई, जब तक विद्यालय में सुधार नहीं आ जाता, व्यवस्था सुधर नहीं जाती, तब तक गांव में कहीं भी अन्यत्र व्यवस्था करने के लिए शिक्षक को कहा जाएगा। नहीं, इसको लापरवाही हम इसलिए नहीं कह सकते कि जितने जर्जर भवन थे हमारे पास में, जो चिन्हांकित हो गए थे, उनकी सारी की सूची हमने भेज दी है डिसमेंटल के लिए। मालेगांव का भी भवन और बासिंदा का भी भवन वो जर्जर श्रेणी में नहीं था, केवल रिपेयर योग्य था। मालेगांव तो जिसमें अभी उसका रूफिंग का काम हुआ था, तेज हवा आने के कारण अचानक मतलब जो है उसकी छत उड़ गई है। एजेंसी भी कह सकते हैं, या तो तेज हवा के कारण कुछ और अच्छे गुणवत्तापूर्ण करते तो शायद स्थिति निर्मित नहीं होती। एजेंसी को भी हमने निर्देशित कर दिया है कि वो उस काम को जल्दी से पूरा कर ले। स्कूल की उड़ती और हिलती छतें देखकर अधिकारी भी नींद से जाग गए और स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत कराने का भरोसा दे रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि बारिश के पहले ये काम क्यों नहीं कराया गया। सरकार कभी भोपाल के वल्लभ भवन से निकलकर इन स्कूलों का जायजा भी ले लिया करें, ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो सके, या फिर इंतजार करें किसी बड़ी दुर्घटना होने का। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बिल के समर्थन में जब से दो भाजपा विधायकों ने कमलनाथ सरकार के समर्थन में वोट दिया है, तब से ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच शोएपुर से भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भाजपा छोड़ने के लिए पैसों का लालच दिया, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं।
भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने मुझे संपर्क साधा और कहा कि वो मुझे जो चाहे वो देंगे, लेकिन मैंने साफ कर दिया है कि मैं आदिवासी और गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अपराध कानून संशोधन बिल 2019 पर विधानसभा में मत विभाजन की नौबत आ गई थी। वोटिंग के दौरान भाजपा के दो विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समर्थन वोट दिया था। इसके बाद दोनों ही कांग्रेस में शामिल होने की बात कही गई थी। उसी समय बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी को प्रलोभन दिया गया था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसा की भी कह रहे हैं, वे लालच भी दे रहे हैं मुझे, पर मैं आने वाला नहीं हूँ। सीताराम आदिवासी हूँ, हम वनवासी है, इसलिए आज दिन तक हमने धोखा नहीं दिया है। और जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं वे गद्दार है लोग, पार्टी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। पैसा हमें कोई लालच नहीं है, मैं गरीब आसामी हूँ, चाहे गरीब हूँ मैं, शहर हूँ, पैसा का लालच में मैं नहीं आऊंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। छतरपुर के मंगल सिंह हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और जब पुलिस ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया तो हाईवे पर जाम लगा दिया। छतरपुर के वमीठा थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले हुए मंगल सिंह हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर धरना दिया। मृतक के परिजनों के हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन पुलिस ने तख्तियां लेकर धरना दे रहे पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन लोगों ने ग्वालियर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस हत्याकांड में इरादतन अपराधी अर्जुन सिंह का नाम है। परसों रात में छह लोग आए नकाबपोश, 3 गाड़ियों से डराया धमकाया और गाली गलौज की। और यहाँ थाने में आए तो रिचारिया मुंशी जी हैं, यहाँ पे बोल रहे थे 307 में तुम लोगों को डाल देंगे। अवध भाषाओं का उपयोग किया उनने हम लोगों को, यही हम निष्पक्ष जांच चाहती है। इस मामले में पूर्व में ही एक जो मैन आरोपी है वो पुलिस अपेक्षा में है। आज दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों को उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है कि दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और शांत हो गए। विकास कार्यों में ढिलाई और अनदेखी से परेशान भाजपाई पार्षदों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। झांझ मंजीरे ढोल की थाप पर बजाए और सीधा आरोप लगाए कि जब से सरकार बदली है तब से सारे काम या तो अधूरे पड़े हैं या फिर शुरू ही नहीं हुए हैं। भले ही महापौर भाजपा से हैं मगर नगर निगम आयुक्त नहीं सुनती। देवास नगर निगम में जब से निगम सभापति ने पदभार ग्रहण किया है तब से लेकर अब तक भाजपाई पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी निगम प्रांगण में भाजपाई पार्षदों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और एक अनोखा तरीका अपनाया, झांझ मंजीरे ढोल की थाप पर बजाए। पार्षदों का कहना है कि निगम आयुक्त इनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर रही हैं, साथ ही निगम आयुक्त संजना जैन कांग्रेस के राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही हैं, जबकि वर्तमान में भाजपा की ही परिषद व महापौर है। सरकार का परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे, हमें तो उस दिन भी हम चाहते थे कि हमसे मैडम बात करें, हमारा ज्ञापन ले, हमारी समस्या सुन ले। हम तो उस दिन भी यही चाहते थे क्योंकि हम शहर के, हमें शहर के विकास की चिंता है, पब्लिक के विकास की चिंता है। देखिए, उसकी स्थिति के कारण कुछ ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुए, इस कारण कार्यों में भी कुछ रुकावट आ रही है। इस संबंध में माननीय मैडम के साथ और माननीय अपने जो पार्षद दल है इनके साथ वो अभी चर्चा होने के पश्चात इन चीजों का निराकरण हो जाएगा और फिर सब सुचारू। आज तो इनके द्वारा बताने के बाद ही बैठे हैं, कुछ काम चाह रहे हैं। बारिश का मौसम है, कुछ कीचड़ की समस्या है, कुछ मुरम की समस्या है, उनके लिए मांग कर रहे हैं तो उसका निराकरण अभी कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम हरेली के खास अवसर पर जगदलपुर के दरभा के कोयनार पहुंचे। उन्होंने हरेली त्योहार मनाते हुए गेंडी चलाई और कबड्डी खेलकर सबका दिल जीत लिया। प्रेम साय बस्तर के प्रभारी मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम हरेली के खास अवसर पर जगदलपुर के
कोयनार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री टेकाम ने कार्यक्रम में विधि विधान से किसानों के अवजार का पूजन किया। इसके बाद मंत्री टेकाम ने पशुओं को रसना जड़ी बूटी भी पिलाई। रसना यहाँ हरियाली के उपलक्ष्य में पशुओं को खिलाया जाता है। यहाँ लोग मानते हैं कि इसे खिलाने से पशुओं की तकरीबन 80 बीमारियां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, मंत्री प्रेम साय सिंह ने प्रदेश के पारंपरिक गेंडी पर चढ़कर उसकी सवारी की। मंत्री टेकाम इसके बाद कबड्डी खेलते हुए भी नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्लन भाई, पूरे देश में ऐसी कई जगह तो यदि बाढ़ें आ रही है बता रहे हूँ, कहीं मगर निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और नगर निगम वाले तो ये बोल रहे हैं कि लो पानी, हमने पूरा है ना ड्रेनेज सिस्टम है ना चौक कर दिया है, अपने घरों में ला वाला पानी भर रहा है, पानी पानी चिल्ला रहे थे गर्मियों में, लो अब ये तो चल रहा है। और भैया भोपाल का ताल तो ऐसा लवालब हो रहा है, गेट खुलने वाले हैं बता रहा हूँ भदभदा के। और वो क्यों होने वाला है बताओ? हम लोग भैया पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं, पूरी हरियाली है, इसीलिए यहाँ बारिश होती है। कई जगह बारिश नहीं हो रही, ग्वालियर में पानी नहीं गिर रहा। और मैं बता रही हूँ पेड़ पौधे लगाओ तब बारिश होगी यहाँ। और दूसरा है बाढ़ राहत जो सामग्री मिल रही है, अधिकारी वगैरह बड़े खुश हो रहे हैं, सभी अपने बंगलों को मरम्मत करा रहे हैं। मंत्रियों के बंगलों में जो पानी वानी रिस रहा है वहाँ भी मरम्मत हो रही है। भाई अधिकारी और मंत्री मजबूत होंगे तभी तो ये बाकी जगह मजबूती आएगी। और जो बेचारे डूबे हुए हैं ये बाढ़ में, उनकी उनके पास जाने में भी टाइम लग रहा है, उनको अभी पहुँच जाएंगे बेचारे। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छा खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्नाव रेप केस जो हुआ है उसकी सुनवाई का बोला है कि 45 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर है बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ ऐसे दरिंदों को तो है ना बहुत जल्दी है ना उनका डिसीजन होना चाहिए, फांसी फूसी होना चाहिए इनको। तो मैं ये बता रहा हूँ क्राइम करना भूल जाएंगे लोग। और बीजेपी ने है ना उनको है ना बिल्कुल स्वच्छता अभियान जो चल ही रहा है उनके यहाँ ये सब भाग बाहर फेंक दिए कचरे में। हाँ, और ये खबर, ये बहुत अच्छी खबर सुन लो। अपने मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने संविदा कर्मी हैं जो वो घोषणा कर दी है कि उनको नियमित किया जाएगा। उनमें खुशी की लहर हो रही है। और मैंने कहा ज़्यादा मत लड्डू वड्डू मत फूटो, अभी हो जाने दो, उसके बाद बांट लेना मिठाई वगैरह। हाँ, ये तो चल गया है। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुना रही हूँ। वो जो 6 पायलट है ना जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, वो परीक्षा दे रहे थे, नकल करते हुए पकड़े गए। अब वो सवारियाँ पूछ रही हैं पायलट से, जैसे ही प्लेन में घुसती हैं, भाई साहब आपने बोले जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग तो असल में ली है ना, ये तो चल गया है। और भैया ये खबर ये सुन लो, डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है, मैं बता रहा हूँ डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बेचारे मरीज हो, किसी का ऑक्सीजन निकल रहा है, कोई हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट में चला रहा है। अब मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को भगवान बोला जाता है। और जब देखो जब हड़ताल, और मैं बता रहा हूँ अपनी मांगों को मनवाना है तो कोई नए तरीके ढूंढो ना भैया। ये हड़ताल का क्या तरीका है? ये मरीजों को तो देखो। ओ भैया मैं बता रही हूँ, मंत्रियों नेताओं के मुँह से तो ऐसे बड़ा बड़ा कुछ भी निकलने लगता है बता रहा हूँ। अभी आजकल जीतू पटवारी जो मंत्री हैं अपने, वो डेंटिस्ट हो गए। वो कह रहे हैं अभी हमने भाजपा के 2 दांत तोड़े, पूरी 32 ही तोड़ेंगे। बताओ ऐसी ऐसी तो भाषाएं आ रही हैं। ये इंदौर के लोगों को पता नहीं क्या नमकीन में खाते हैं, कोई बल्ला चलाता है, कोई दांत तोड़ता है। और ये खबर और सुन ली दिल्ली से। और दिल्ली में जो है ना बिजली 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ, मुझे पता है कि चुनाव आ रहे हैं। और ये चुनाव में ये फ्री बांटने की जो आदतें हैं, लोगों को आलसी बनाने की, ये परंपरा चलती रहेंगी। अरे तुम तो बोल रहे थे कि नई पार्टी बनाई है तुमने, ये करेंगे वो करेंगे, बता रहे हूँ। चलो मैं भी चला, यहाँ भी कुछ बांट रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncetu.ac.in.